देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इस सवाल का जवाब कोलकाता है। यह शहर लगातार तीसरे साल देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। प्रति लाख की आबादी के अनुसार इस शहर में संज्ञेय अपराधों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2022 के डेटा के मुताबिक कोलकाता में प्रति एक लाख की आबादी पर 86.5 केस सामने आए। इसके बाद दूसरे नंबर पर पुणे है जहां 280 मामले आए और तीसरे स्थान पर हैदराबाद रहा। यहां प्रति एक लाख जनसंख्या पर 299 मामले सामने आए। संज्ञेय अपराध ऐसे मामलों को माना जाता है जब आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें सबसे पहले 2021 में एनसीआरबी डेटा के मुताबिक प्रति एक लाख आबादी पर 103.4 केस दर्ज किए गए थे। इस लिहाज से देखें तो इस साल और अच्छी स्थिति रही। आपराधिक मामलों में बड़ी कमी दर्ज की गई। इससे पहले वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 129.5 का ही था। इस तरह बीते तीन सालों में कोलकाता में आपराधिक मामलों की संख्या में लगातार कमी आई। पुणे में 2021 में 256 मामले दर्ज किए गए थे जबकि हैदराबाद में 260 मामले दर्ज किए गए थे। यह रैंकिंग हर साल जारी होती है। इसमें 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 शहरों की तुलना की जाती है। इसमें लगातार तीन सालों से कोलकाता टॉप पर बना हुआ है। हालांकि एक चिंता की बात यह भी है कि भले ही कुछ मामलों में कमी दर्ज की गई हो लेकिन कोलकाता में महिला अपराधों के मामले बढ़े हैं। बीते साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1890 केस दर्ज किए गए जबकि 2021 में आंकड़ा 1783 था। बता दें कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या प्रति एक लाख की आबादी पर 27.1 है। यह संख्या सबसे कम कोयम्बटूर में 12.9 है जबकि चेन्नई में 17.1 है। कोलकाता में इस साल हत्या के मामलों में भी कमी दर्ज की गई। 2021 में यह आंकड़ा 45 था जबकि इस साल 34 केस ही सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में बीते साल रेप के 12 केस मिले थे जबकि 2021 में भी यह आंकड़ा था। एनसीआरबी की ओर से हर साल क्राइम इन रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का डाटा शामिल किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।